मेरा तो सर भी टच हो जा रहा है। तो इसमें हाइट एडजस्टेबल दिया तो है, लेकिन अब तो भाई ये है हमारा सेटअप, और अभी मैं इसको लगा लूँगा जहाँ से आपको POV मिल पाए, तो थोड़ा सा समझ आएगा आपको ड्राइविंग का कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और मैं बताते भी जाऊँगा, विजिबिलिटी वगैरह भी समझ आएगा इसमें। तो शुरू करते हैं फिर। AC चला रहा हूँ, ऐसे तो मैं 300 किलोमीटर जा रहा हूँ, 64 किलोमीटर चल चुके हैं, और जनरली मैं AC बंद करके जाता हूँ क्योंकि इधर मौसम अच्छा है, जंगल बहुत है इस वजह से। और 64 किलोमीटर चल चुके हैं, हमको 240 किलोमीटर के अराउंड और जाना है। तो सबसे पहला इशू बता देते हैं कि आप देख पा रहे होंगे, ये ए पिलर बहुत ज़्यादा ही नज़रों में आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है, और ये ग्लास इतना गंदा हो जाता है ना, वाइपर यहाँ तक क्लीन नहीं कर पाता, तो ब्लाइंड स्पॉट और बढ़ जाता है। तो ब्लाइंड स्पॉट होने से कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, घाटी में राइट टर्न करते समय ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है, घाटी आएगी वहाँ पर शायद, अगर उजाला रहा तो बता दूँगा आपको। दूसरा, सिटी में आपको कोई इधर से बाइक वाला आ रहा है और यहाँ पे आके रुका है कि नहीं रुका है कि चल रहा है, ये समझ नहीं आता, तो सिटी में भी ये दिक्कत करता है। और आप कभी गाड़ी खड़ी है और उधर कुछ बैठा है, गाय वगैरह या कोई जानवर या कोई बाइक वगैरह है, तो वो आप मिस कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न है, सेफ्टी के लिए ही बनाया गया इसको मजबूत, बट इसका एंगल ऐसा है कि एकदम नज़र जहाँ पर नज़र जाती है वहीं जाता है। तो पहला इशू तो ये है भाई, तो ये बताना ज़रूरी था। उसके आगे ज़्यादातर तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो बात करते हैं। पहला तो मैं बात करता हूँ, जब फर्स्ट टाइम मैंने EV चलाई थी, यही गाड़ी चलाई थी, नेक्सॉन EV, तो क्रूज़ कंट्रोल डाल देता हूँ ताकि बात कर पाऊँ, और लॉन्ग रूट पे क्रूज़ कंट्रोल डालने से बेटर आपको रेंज मिलता है, एक 80 के आसपास का स्पीड डाले तो। हाँ, सबसे पहली बार मैंने EV चलाई थी, टाटा नेक्सॉन EV, तो स्टीयरिंग मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैं स्विफ्ट चलाता था और वो काफ़ी पुरानी हो गई थी, 2014 मॉडल है, या 14 का रजिस्ट्रेशन है, 13 मॉडल है, तो स्टीयरिंग मेरे को थोड़ा सा नॉन नेचुरल या रबरी लग रहा था स्टार्टिंग में, और ऐसा लग रहा था कि मज़ा नहीं आएगा स्टीयरिंग। बट हाँ, इनिशियली आपको इशू हो सकता है, बाद में एडजस्ट हो जाता है आपका, मतलब रिफ्लेक्सेस तो ठीक लगने लगता है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, मनूवरिंग वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक दिक्कत बस आती है, जब आप ऐसे करते हैं, मतलब अचानक से ऐसे करके, तो बहुत ज़्यादा नेचुरल नहीं लगता है, मतलब थोड़ा सा उसको ठीक करना चाहिए, मेरे ख्याल से नए इसमें कर भी दिया गया होगा। साथ ही अगर आपने पेट्रोल नेक्सॉन चलाया होगा ना, तो उसका स्टीयरिंग बहुत लाइट है, इसका स्टीयरिंग सीधा रहने के लिए बनाया गया, इसलिए स्ट्रॉन्ग हार्ड है। तो EV और पेट्रोल नेक्सॉन के स्टीयरिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, तो आप पेट्रोल वाला चला के ये ना सोच लें कि ऐसा ही रहेगा। तो ये सीध में चलने के लिए और ज़्यादा टॉर्क और ज़्यादा स्पीड एक्सेलरेशन के लिए बनाया गया है, तो उसको ज़्यादा स्टिफ बनाया गया है, तो थोड़ा तो स्पीड के साथ वेट आता है इसमें, बढ़ता है, लेकिन शुरू में भी बहुत ज़्यादा, तो सिटी राइड में भी बहुत ज़्यादा लाइट नहीं फील होता, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपके आर्म्स के मसल्स थोड़े से कम स्ट्रॉन्ग हैं, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा ड्राइव करने पे आपको पेन हो सिटी वगैरह में बहुत ज़्यादा। सीधे रोड के लिए तो ये बेस्ट है भाई, सीधे रोड में आपको सीधा रखना है, क्रूज़ कंट्रोल लगा दो और बैठ जाओ, जहाँ जहाँ मोड़ आते हैं वहाँ हल्का सा ऐसे कर दो, फिर छोड़ दो, तो ये सीधे चलने के लिए मैक्सिमम बनी है, मेरे को ऐसा लगता है, लॉन्ग लॉन्ग रूट पे सीधा सीधा चल सकता है ये। दूसरी चीज़, हाँ, जब भी आपको ऐसे सीधे जा रहे हैं, ये डिटेल रिव्यू रहेगा, तो आपको डिटेल जानना है तभी देखें, अदरवाइज़ इसको कट करके आपके लिए छोटा वाला भी बना दूंगा जिसको डिटेल नहीं देखना है। दूसरी चीज़, जैसे आपको मोड़ में जब आप शार्प टर्न आता है, जैसे अभी सीधे वहाँ पे टर्न आ रहा है, तो आपको ना मोड़ में स्टीयरिंग को मोड़े रखने के लिए ही ताकत लगती है, तो उस समय लगता है अगर बहुत देर तक मोड़ना है तो, कि भाई थोड़ा सा लाइट होता तो अच्छा रहता। तो कुल मिला के गाड़ी सीधे रोड पे
स्टेयरिंग को एकदम स्ट्रेट रखने के लिए बनाई गई है। जैसे यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा मेहनत लगता है, यहाँ पे हल्का सा मेहनत, ऐसा भी बहुत ज़्यादा नहीं, ये भी ठीक ठाक सा मोड़ है। बहुत ज़्यादा ऐसे कर्व रहता है ना कई बार कंटिन्यूस, उसमें दिक्कत होती है हल्की सी, ऐसा बोलूँगा। तो ये है स्टीयरिंग की बात। और दूसरा मैंने बताया, जब आप ऐसे कुछ बचते हैं किसी चीज़ से तो थोड़ा सा एबनॉर्मल लगता है। दूसरा, ये मिड साइज एसयूवी वगैरह बोला जाता है इसको, तो उस हिसाब से बॉडी रोल बिल्कुल भी नहीं है। बॉडी रोल क्योंकि इसकी बैटरी नीचे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, तो बॉडी रोल बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है। कंट्रोल तो लगता है बढ़िया चलाने के समय। कंट्रोल में ही अगर हम ब्रेकिंग की बात कर लें तो ब्रेकिंग, इससे ज़बरदस्त ब्रेकिंग मैंने अभी तक की कोई गाड़ी में नहीं देखी है, क्योंकि इसमें चारों डिस्क ब्रेक तो हैं ही, वो तो अच्छा काम करते ही हैं, साथ में रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जैसे आप ब्रेक लगाते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी काम करने लगता है, तो उससे एक्स्ट्रा आपको पांचवा ब्रेक भी मिल जाता है। चारों चक्के में, चारों व्हील्स पे चार डिस्क ब्रेक और रीजनरेटिव ब्रेक, ऐसे पांच टाइप के ब्रेक लग जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा आपको ब्रेकिंग मिलती है। साथ ही जैसे भी आपको कभी जैसे आपका पैर इससे कम थकता है, क्योंकि जैसे आपको हल्का फुल्का स्पीड कम करना है, आप एक्सेलरेटर छोड़ेंगे तो गाड़ी रीजनरेटिव ब्रेकिंग से धीरे मतलब धीमी होने लगती है, और उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बार बार मेरे को ब्रेकिंग करनी है, तो थ्री पे रखें रीजनरेशन को, और अगर आपको नॉर्मल रखना है तो वन पे रखना ठीक है। टू बीच वाला मैं तो वहाँ यूज़ करता हूँ जब ढलान आती है, और मेरे को ढलान से रीजनरेशन से बैटरी को थोड़ा सा चार्ज करना होता है, मतलब चार्ज भी हो जाए और एकदम फंसे भी ना गाड़ी रुकते समय, तो टू इज़ गुड इनफ। लेकिन मोस्टली आप वन पे ही चलाएंगे, जैसे मैं अभी वन पे चला रहा हूँ, तो आपको नेचुरल फील होगा। विजिबिलिटी अगर सही है, वही आपका ए पिलर का इशू है थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये जो इसका मिरर है उसकी लेंथ कम है, मतलब विड्थ बोलें कि लेंथ, इधर बाहर की तरफ और लंबा होता तो एक ब्लाइंड स्पॉट कई बार बन जाता है पीछे की गाड़ी आ रही है और आपको पता ही नहीं चलता कि गाड़ी आ रही है, तो ये दिक्कत आती है कई बार। फिर इसको लॉन्ग टूर पे, ऐसे लॉन्ग ट्रिप पे ले जाना है, तो क्रूज़ कंट्रोल और स्टीयरिंग का जो सीधा रखना है वो बहुत काम आता है, इसलिए मैंने इसको 69,518 तक के ईज़िली चला लिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके अलावा लाइट्स की बात करें, लाइट्स कमज़ोर हैं, सीधी बात है, हेलोजन लाइट्स हैं, लेकिन नेक्सॉन के लाइट्स ऐसे भी कम, मतलब थोड़े से कम हैं ऐसा लगता है। तो मैंने रिसेंटली ओसराम का एक 150% वाला जो बल्ब है वो उससे चेंज कर दिया है, तो अपर में चेंज किया, 2300 के दो पीसेज आए, काफ़ी महंगे हैं, तो उससे मेरी लाइटिंग का जो इशू हो रहा था वो सॉल्व हो गया है। तो अभी डिपर में मैंने नॉर्मल बल्ब रखा है, और अपर में आफ्टर मार्केट थोड़े से प्रीमियम बल्ब रखे हैं, तो मेरा काम हो जाता है। इसके अलावा ब्रेकिंग, सस्पेंशन तो भाई इसका बहुत ही सही है। सस्पेंशन की बात करें तो कोई भी ऐसे ख़राब पैचेस आपको जो दूसरों गाड़ियों को कम करना पड़ जाता है, कई बार बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी कम करना पड़ जाता है, वहाँ भी ये थोड़ा सा बाकियों की तुलना में ज़्यादा स्पीड से निकल सकती है। इसमें एक ड्रॉबैक ये वाली बात है सस्पेंशन में बस, कि साफ कि हाँ, जैसे ये टर्न आ गया तो इसमें मेरे को ऐसे करके रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हाथों में दर्द होता है कि भाई कितने देर तक रखेंगे। बाकी हाँ, आप सीधी रोड है तो फुल मज़ा कर सकते हैं, सीधा रखने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं लगता है, या थोड़ा बहुत मनोवर करने में कोई एफर्ट नहीं लगता। तो मैं क्या बता रहा था, सस्पेंशन का एक ड्रॉबैक ये है कि जैसे जंप या ब्रेकर आता है ना, तो आगे तो वेट है मोटर का और आगे के पोर्शन का, तो
तो आगे ज़्यादा उचकता नहीं है, पीछे आप कितनों भी धीरे निकालो, पीछे कोई वज़न नहीं है ना, पीछे आपका सब 4 मीटर की होने की वजह से ज़्यादा लंबी नहीं है और पीछे कुछ वेट भी नहीं है, तो थोड़ा सा पीछे वालों को ज़्यादा थोड़ा सा उछाल महसूस होता है, ख़ास तौर पर स्पीड ब्रेकर पे। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ और है जो विजिबिलिटी से लेके जो मैं शुरू डे वन से ही परेशान था, स्विफ्ट में मेरे कभी ये इशू नहीं आता था कि ये वाला पोर्शन जो डैशबोर्ड का इतना सारा पोर्शन है उसका रिफ्लेक्शन ग्लास में दिखे, उसमें ऐसा नहीं होता था। इसमें एनी टाइम, अभी तो नहीं दिख रहा है, जब भी सन थोड़ा भी सामने की तरफ रहा तो इस डैशबोर्ड का रिफ्लेक्शन इस बहुत ही एक्यूट एंगल पे जो ग्लास लगा हुआ है इस पे लगता है, तो इस ग्लास का एंगल थोड़ा सा खड़ा रखना था तो ये विजिबिलिटी वाला भी इशू नहीं रहता जैसा थोड़ा स्विफ्ट में होता है। मेरे ख्याल से इसको ज़्यादा ही नीचे कर दिया गया है। इस ज़्यादा ही नीचे करने की वजह से एक प्रॉब्लम यह भी है, जिसकी भी हाइट थोड़ी ठीक ठाक है 5'8" 5'9" या उससे ऊपर, तो घुसते समय बार बार, मैं एक साल हो गया, एक साल से ज़्यादा, फिर भी मेरा सर टकरा जाता है कई बार इस पोर्शन में बैठते हुए। जो भी पहली बार बैठा है जिसकी हाइट थोड़ी ठीक ठाक है, यहाँ पे सर टकरा जाता है तो थोड़ा एम्बेरेसिंग लगता है। तो ये वाला एंगल जो है, इनको थोड़ा सा स्ट्रेट अवे, इसको स्ट्रेट करना चाहिए था और ग्लास भी इससे रिफ्लेक्शन वाला जो इशू है वो ठीक हो जाता। बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से उससे एरोडायनामिक होने पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर गाड़ियों का तो ये थोड़ा सा लेस स्लैंटिंग है, खड़ा है थोड़ा सा, चाहे क्रेटा ले लो, चाहे आप सेल्टॉस ले लो, सोनेट ले लो, तो ये है। बाकी इसके बाद इसकी परफॉर्मेंस तो आप ईवी के परफॉर्मेंस में तो कोई कमी नहीं है, आप जैसे ही पंजा दबाते हैं एक्सलरेट करते हैं तुरंत रिस्पांस देती है गाड़ी, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। ब्रेकिंग तो मैंने बता ही दिया, मेंटेनेंस तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके अलावा सीटिंग जो है, जो कंफर्ट है, अच्छा है। सीटिंग हाइट की अगर बात करें, हाइट एडजस्टेबल तो है, लेकिन अभी मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए इसको सबसे नीचे पोजीशन पे रखा है, अदरवाइज़ ये मैंने जो कैमरा लगाया है ये छत से टकराता होता, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि सीट हाइट बढ़ाने से कैसा विजिबिलिटी होता है। सीट हाइट को आप हाईएस्ट पे ले जाओगे तो आपका सिर तो मेरे ख्याल से विजिबिलिटी के सामने ये आएगा, मतलब आपकी आँखों के सामने ये आएगा, सीट टकरा जाएगा। देखिए अभी लोएस्ट है, अभी ये बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे, अभी आप समझ पा रहे होंगे कि हाइट बढ़ाने से क्या दिक्कत होती है। ये है इसका हाइट, मेरा तो सर भी टच हो जा रहा है। तो इसमें हाइट एडजस्टेबल दिया तो है, लेकिन आप अगर 5'8" 5'9" 5'10" ऐसे आपका सर जो है छत पे टकराने लगेगा और ये वाला पोर्शन आँखों के सामने आता है, तो हाइट एडजस्टेबल का बहुत ज़्यादा तो फ़ायदा नहीं है। कि आप सभी बोलते हैं SUV में बोनेट दिखना चाहिए, तो हाइट ऊपर करने से बोनेट दिखता है, बट यहाँ का विजिबिलिटी आपकी नज़रों के सामने ये आ जाता है। तो ये थोड़ा डिज़ाइनिंग का फ्लॉ है मेरे को लगता है, जो टाटा को सुधार लेना चाहिए था। इसके अलावा बोनेट दिखता है SUV में बोलते हैं, तो इसमें बोनेट का कॉर्नर दिखता है बोनेट का, बट गाड़ी उससे भी फूली हुई है, उधर जो मडगार्ड वाला पोर्शन है वो और फूला हुआ है, तो कोई दिखने का कोई मतलब नहीं। कई बार आप इसके, मेरे साथ ऐसा हुआ है, इस कॉर्नर के दिखने के भरोसे में मैंने मोड़ दिया गाड़ी, बाद में पता चला नई नई गाड़ी थी तो खंभे से रगड़ गया। तो ये दिखने का तो यही मतलब होता है, चाहे आप इनोवा चाहे स्कॉर्पियो ले लो, कि जो दिख रहा है वहाँ तक आपकी गाड़ी टच नहीं होगी, वो दिखना चाहिए। इसमें जो दिख रहा है उससे भी ज़्यादा गाड़ी फैली हुई है आगे, तो गलतफहमी हो जाती है उसकी वजह से। तो ये ड्राइव का मोटा मोटा रिव्यू है मेरी तरफ से, और पीछे की सीट थोड़ी लेस कंफर्टेबल है, थोड़ा सा पीछे का सीट जो है क्लॉस्ट्रोफोबिक है, मेरे को पीछे बैठने की आदत नहीं है, लेकिन कभी एक दो बार बैठा हूँ तो थोड़ा सा मेरे को बंद सा लगा और उतना कंफर्टेबल नहीं लगा। पीछे का जो ग्लास है सामने बैठने के लिए अच्छा है, दो लोगों के लिए, पीछे कभी कभी बैठ सकते हैं, जिसको आदत है वो बैठ सकता है। इसके अलावा बाकी हाँ, एसी जो है इसका पर्टिकुलर ऑटोमेटिक एसी बहुत ज़्यादा अच्छा एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं
जल्दी से एडजस्ट नहीं होता है, थोड़ा टाइम लेता है, और कई बार ठंडी में गर्मी, गर्मी में ठंडी, इस टाइप का, और ठंडी में ठंडा, इस टाइप का होने लगता है। हीटर भी आप जब एसी के साथ चलाएंगे तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। इसके अलावा ठीक है बाकी सारी चीज़ें, तो वेंटिलेटेड सीट भी ठीक ठाक काम करती है, वेंटिलेटेड सीट चालू है अभी। और ट्रिप वगैरह, ये जो ओडोमीटर है, डैशबोर्ड है, सारी चीज़ें इसमें दिखाता है, तो इसमें कोई वो नहीं है हमको शिकायत। इसके अलावा ये छोटा स्क्रीन है बट ठीक है। हाँ, इसमें फ़िल्टर लगा हुआ अच्छा काम करता है, कई बार जो बदबू बाहर आते रहती है वो अंदर नहीं आती, अगर आप ग्लास व्लास बंद रखे हैं तो जैसे ही खोलते हैं या बाहर का हवा अंदर करते हैं तब बदबू आती है, तब पता चलता है भाई एयर फिल्टर गाड़ी में होना चाहिए इंडिया जैसे कंट्री के लिए। बाकी एसी अगर आप एक दो पे रखें तो ठीक है, उससे ऊपर थोड़ा सा नॉइज़ी हो जाता है, तो ज़्यादा में तो नॉइज़ी हो गई, लेकिन हुंडई की गाड़ियों में मेरे को लगता है थोड़ा सा और साइलेंट एसी के फैंस होते हैं, तो ब्लोअर साइलेंट होता है तो और अच्छा कंफर्ट फील होता है। इसके अलावा गियर नॉब वगैरह सिलेक्टर है, ये राउंड है, तो कई बार आप इसको टैक्टाइल वे पे नहीं पता कर सकते कि ये आर पे है कि डी पे है, तो कई बार डी और आर में मिस्टेक होता है, तो आप एकदम एक्सेलरेट करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है वहाँ पे, तो हमेशा आदत ये डालिए कि हल्का सा एक्सेलरेट करें ताकि आपको पता चल जाए शुरू में कि आगे जा रही है पीछे, क्योंकि अगर हमारे पास पुराने गियर थे हम उसको बिना देखे जान सकते थे कि कौन सी पोजीशन में है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है जो भी है, लेकिन इसमें जो है राउंड है, चाहे कोई भी गियर पे हो, न्यूट्रल हो, डी हो, सब सेम है, तो आपको यहाँ देखना पड़ता है इसके डिस्प्ले पे या फिर यहाँ पे, तो आपके आँख का ज़्यादा काम आ जाता है, आप छू के नहीं पता कर सकते कौन सा गियर है, कौन सा गियर है या कौन सा मोड है या कौन सा ड्राइव मोड है या ड्राइव शिफ्टर जो भी बोले वो है, तो ये सारी चीज़ें भाई। इसके लिए वायरलेस चार्जर जो है वो प्रो मैक्स के साइज़ का बना है, बाकी फ़ोन जो है हिलते रहते हैं छोटे साइज़ के, तो दिक्कत होती है। प्रो मैक्स के लिए सबसे सही साइज़ है, तो आपको इतना खर्च करना पड़ेगा कि बड़ा आपके पास मोबाइल रहे, तो ये 6.7 इंच का कुछ आ जाए तभी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे काम करेगा, अदरवाइज़ आपका फ़ोन हिलता रहेगा तो चार्ज अच्छे से नहीं हो पाता है। बाकी तो विंडो भी मेरे को ये फ्रंट का भी थोड़ा छोटा ही लगता है स्विफ्ट की, अगर मैं कंपेयर करूँ तो स्विफ्ट में ज़्यादा खुला और ज़्यादा बड़ा लगता है ये स्पेस, जबकि ये बड़ी गाड़ी है। ये वाला पोर्शन जो ग्लास से हमारे तक का है ये भी स्विफ्ट में ज़्यादा दूर तक है, तो मैं स्विफ्ट से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो चलाई है और वो 6-7 लाख की गाड़ी थी और ये 20 लाख की गाड़ी है, तो ये सारी चीज़ें तो इसमें भी मिलनी चाहिए। बस फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।